फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अपने पीछे के बाल को स्ट्रेट कट करने वाले हैं, क्योंकि आगे का बाल तो हम बहुत इजीली हम कट कर सकते हैं, बट जब हम पीछे का बाल हम जल्दी नहीं कट कर पाते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉम्ब लेके बालों को अच्छे से हमें सुलझा लेना होगा। अगर बाल आपस में उलझे रहेंगे तो कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। फिर हम यहाँ पर एक पोनीटेल हम बनाएंगे। पोनीटेल हमारा ज़्यादा टाइटली नहीं होना चाहिए, अदर नॉर्मल सा पोनीटेल हमारा होना चाहिए। फिर मैं दूसरा भी रबड़ बैंड में इसके नीचे में लगा लूँगी। फिर उसके बाद हम तीसरा भी रबड़ बैंड इसमें हम लगा लेंगे। लास्ट में एक रबड़ बैंड हम और लगाएंगे जितना हमें अपने बालों को कट करना है। फिर आपको देख लेना है कि कितना आपको बाल कट करना है, आप उसी हिसाब से अपने बालों को कट करेंगे। दो फिंगर से हम बालों को ऐसे पकड़ेंगे और रबड़ बैंड के नीचे से हम अपने बालों को कट करना स्टार्ट कर देंगे। घर पे कट करना काफ़ी इजी होता है अगर आप ऐसे कट करते हो तो। आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आप बाल अपना कट कर सकते हो। तो जो भी हमारे दो मुँह बाल थे वो कट चुके हैं, तो अब हम देख लेंगे अगर छोटा बड़ा रह जाएगा तो कैंची से हम उसको एक बराबर का हम कर लेंगे। तो घर पर काफ़ी ईजी हो आता है बाल कट करना। अगर हम पार्लर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज हमसे ले लिया जाता है, तो हम पे नहीं कर पाते हैं। तो घर पे काफ़ी इजी तरीके से हम अपना बाल को कट कर सकते हैं, जो भी एक भी हमारा पैसा खर्च नहीं होता है। आप देख सकते हो अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा रह जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपने घर पे किसी से बोल के आप थोड़ा सा छटवा सकते हैं। तो आज ही मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।